नमस्कार, बीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलवामा में दो आतंकी ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने अब लोलाब में आतंकियों को घेरा। सार्वजनिक वाहनों के किराए में 30% की बढ़ोतरी, सरकार ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन जारी होने लगा डोमिसाइल प्रमाण पत्र, सोपोर की आलिया तारिक को मिला पहला सर्टिफिकेट। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6000 के पार, 87 मरीजों की हो चुकी है मौत। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर के जिला पुलवामा में मंगलवार भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि यहां सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। शहीद जवान की पहचान सुनील काले के तौर पर हुई है। महाराष्ट्र का रहने वाला ये जवान कश्मीर में सीआरपीएफ की 182 बटालियन में तैनात था। अभी ये ऑपरेशन समाप्त हुआ ही था कि उत्तरी कश्मीर के लोलाब में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही फायरिंग के बाद ये आतंकवादी वहां से मौका पाकर फरार हो गए, परंतु सेना का कहना है कि वे अभी लोलाब के जंगलों में ही छुपे हुए हैं। घेराबंदी की हुई है और आतंकियों के लिए तलाशी अभियान चलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक वाहनों, मेटाडोर, बस और ऑटो के किराए में 30% की बढ़ोतरी की गई है। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, लेकिन कोरोना संकट तक ही जारी रहेगी। प्रदेश के ट्रांसपोर्टर लंबे समय से 50% किराया बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इस बीच ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार से 3 महीने बाद सार्वजनिक वाहन चलाने का ऐलान किया है। किराया बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब ढीली होगी। मेटाडोर का न्यूनतम किराया अब 8 रुपये होगा, जो पहले 6 रुपये था। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन जारी किया जाने लगा है। इसके लिए आवेदन भी ऑनलाइन ही होगा। सोमवार को राजभवन में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी की तरफ से विकसित डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन और जारी करने की ई एप्लीकेशन से लोगों को कार्यालयों की भागदौड़ से राहत मिलेगी। यही नहीं, लोग घर बैठे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सोमवार को 6088 हो गई है। गत सोमवार को 132 नए मामले दर्ज हुए। इनमें 25 ट्रैवलर, 3 जवान, 3 ग्रेव कर्मी, 1 डॉक्टर और 1 अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। 2 और मौतें होने से मरने वालों का आंकड़ा 85 तक पहुंच गया है। 149 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी हुई। अब सिर्फ 2472 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए पिछले 3 महीनों से भी ज्यादा समय के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ट्राई 98 दिनों के उपरांत आज मंगलवार सुबह एक बार फिर से शुरू हो गई। इसके अलावा आरटीओ कार्यालय में अलग अलग कार्यों के लिए अलग से दिन आवंटित कर दिए गए हैं, ताकि शारीरिक दूरी नियम का पालन हो सके और लोगों को परेशानी भी ना हो। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के इलाज का सफल दावा करते हुए दवा लॉन्च की है। इस दवा को दिव्य कोरोनिल टैबलेट नाम दिया गया है। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने खतरनाक वायरस के इलाज के लिए इस आयुर्वेदिक दवा को तैयार किया है। उन्होंने मंगलवार को हरिद्वार में इस दवा को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस दवा का सेवन करने पर रोगी 5 से 14 दिन के भीतर ठीक हो जाता है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि कठुआ के क्वारंटाइन सेक्टर में एक व्यक्ति की मौत के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से बात की गई है। क्वारंटाइन संबंधी दिशा निर्देशों को तुरंत संशोधित किया जा रहा है, ताकि किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द घर जाने से बेवजह ना रोका जाए। बाबा अमरनाथ यात्रा के आयोजन को लेकर अब तक असमंजस बना हुआ है। यात्रा शुरू करने की तिथि 23 जून निर्धारित की गई थी। ये फैसला श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने किया था। एडवांस पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन कोरोना से उपजे हालात, लॉकडाउन के कारण एडवांस पंजीकरण को टाल दिया गया। कोरोना के हालात देखकर बोर्ड को फैसला करना था, लेकिन अभी तक बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। बोर्ड को ही यात्रा के आयोजन को लेकर फैसला करना है। सूत्रों के अनुसार इस बार अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने 19 जून को बोर्ड की बैठक बुलाई थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। बैठक को लेकर फिलहाल कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। आगामी 10 दिनों में बोर्ड की बैठक हो सकती है। कश्मीर में बदलते हालात का असर नारेबाजी में भी दिख रहा है। कल तक पाकिस्तान समर्थक और अलगावादी भारत की निंदा करते हुए जो नारे लगाते थे, आज वही नारे
अब पाकिस्तान और चीन के खिलाफ गूंजने लगे हैं। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों ने तिरंगा लेकर चीनी विरोधी रैली निकाली। रैली में खासी संख्या में युवाओं ने भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की। उन्होंने चीन से निर्मित LED स्क्रीन के अलावा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला भी जलाया। केंद्र सरकार और CBSE ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामले के मद्देनजर 12वीं कक्षा की 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली शेष परीक्षाओं को रद्द करने के विषय पर बातचीत अंतिम चरण में है और बुधवार को इस बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि PM केयर्स फंड के अंतर्गत मेड इन इंडिया के तहत 50,000 वेंटिलेटर बनाए गए हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर निर्मित किए गए हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटर पहले ही राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता अदिति शर्मा ने आज एक पत्रकार सम्मेलन कर प्रशासन से अपील की कि जितने भी डेली वेजेस पिछले 48 घंटों से हड़ताल पर बैठे हैं उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। एक रिक्वेस्ट किया कि जो भी इनकी मांगे हैं, जो बहुत जेन्युइन मांगे हैं, ये सरकारों ने पॉलिसीज बनाई हैं, गवर्नमेंट ने बनाई हैं और इसके लिए ये लोग सफ़र कर रहे हैं इतने सालों से, इनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं, तो ये आज हमारी ड्यूटी है कि हम इनका साथ दें। तो मैं इनसे आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस स्ट्राइक को यहाँ पर डेफर ना करके सस्पेंड करें तब तक जब तक कि हमें इसकी फाइनल अथॉरिटी जो हमारे LG साहब हैं, जो हमारे राज्यपाल जी हैं, उनके साथ बात जब तक ना हो तब तक इस स्ट्राइक को सस्पेंड कर दिया जाए और उसके बाद में जो भी वो बात करते हैं, जो भी हमारी बात जहाँ तक जो टाइम बाउंड वो देते हैं, उस टाइम बाउंड के अंदर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनको सबको इंसाफ दिलाएं। अभी हम आज एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ साहब से या सब लोगों से बात कर चुके हैं, इनके डिपार्टमेंट से भी, और उन सब ने मुझे ये बताया कि इनकी फाइल कहाँ से कहाँ तक क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये सारा कुछ हमने एक कंपाइल करके एक लिखकर ये हम LG साहब तक पहुँचाना चाहते हैं पूरा मेमोरेंडम। और मुझे लगता है कि 4-5 दिन तक, जितनी जल्दी हो सके, 1-2 दिन में या 3 दिन में, जो भी वक्त हमें LG साहब देते हैं, उस दिन इन ये डेलीगेशन में साथ लेकर जाना चाहूँगी कि ये अपनी बात वहाँ पर रखें। और जो भी बात है, देखिए जो भी सरकारें हैं, LG हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी कुछ है, ये सभी इन लोगों के लिए है, तो इन्हीं लोगों का काम नहीं होगा अगर ये रो रहे हैं या इनकी जाने जा रही हैं, तो फिर हमारे कहीं पर भी बैठने का कोई फायदा नहीं है। PP न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।